उसके अलावा जब हम टैग्स होते हैं, टैग्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टैग्स किस हवाले से ज़रूरी हैं कि आप वेबसाइट पे आए हैं, आपने कहा कि क्रिकेट कुछ भी आपने कहा या बॉल कुछ भी आपने लिख के सर्च किया, तो ये जो वर्ड आपने लिख के सर्च किया ना, इसके इस वर्ड की वजह से जो खबरें आपके सामने आई हैं, ये सारी खबरें, ये टैग मतलब ये जो वर्ड मैंने लिख के सर्च किया ये टैग माना गया, ठीक है। तो आप जो समझते हैं कि ये जो आप पोस्ट लिख रहे हैं, मतलब आप एक पोस्ट लिख रहे हैं डिलीशियस रेसिपी, कोई भी आप एक रेसिपी की पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपके टैग क्या हो सकते हैं, रेसिपी उसका टैग हो सकता है, एपेटाइजिंग उसका टैग हो सकता है, डिलीशियस हो सकता है, जो मतलब के टैग्स जिनके थ्रू यूज़र सर्च कर सकता है। और आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ये लिख के सर्च करे तो मेरी ये पोस्ट भी उसकी सर्च में शामिल होनी चाहिए, तो आप वो टैग्स यहाँ पे शामिल करें। टैग्स शामिल करना बहुत ज़रूरी है, ये एक तो सर्च इंजन में भी आपके काम आते हैं कि मतलब कि कोई अगर यहाँ पे लिख के भी, आप सपोज करें कि कोई लिख रहा था अ न्यू रेसिपी, रेसिपी किसी ने लिख के सर्च किया, तो अगर आपने अपने यहाँ पे टैग्स यूज़ किए होंगे और आपकी वेबसाइट की अच्छी वेबसाइट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पोस्टें होंगी, 100-200 पोस्टें होंगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे और आपकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो। किस वजह से? इस टैग की वजह से, इस रेसिपी के टैग की वजह से। तो टैग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।